जैसे कि आज बाबू बीरकुंवर सिंह का जन्मदिन है और बहुत लोग नहीं आया है, नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि खेसारी और पवन सिंह के चक्कर में सारा दुनिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर लड़ रहा है, लेकिन बाबू कुंवर सिंह के लिए लड़ने किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो बलिदान देता है उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है, और जो लौंडा लौंडी का नाचना चाहता है कि बाबू बीरकुंवर मर्दाना और जिनकर लोहा मन ले जमाना, तो अपना हर रंग बिहार की माटी में देख। 1857 के महान योद्धा वीर कुंवर सिंह का आज जन्मदिन है, और 13 नवंबर 1777 ईस्वी का उनका जन्म हुआ था, और ये आरा की धरती है, शाहबाद की धरती है, यहीं पर मैं मौजूद हूँ। और आज हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं, और आज बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म दिवस ये लोग उनका माला अर्पण करके मनाए और पेड़ भी लगाए। जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 1857 के अग्रणी योद्धा वीर कुंवर सिंह का जयंती मनाने का अवसर मिला। और एक और बात आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत लोग कुंवर सिंह की जयंती नहीं जानते हैं, 23 अप्रैल जो उसको मनाते हैं, 23 अप्रैल मतलब विजयोत्सव है, उस दिन उन्होंने विजय प्राप्त किया था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन लोग उसी को जन्मदिन समझ जाते हैं। जन्मदिन उनका आज है, मतलब 13 नवंबर 1777 को हुआ था, और 57 में उन्होंने जो लड़ाई लड़ा था उसके बाद उनकी जो शहादत हुई है ना, 80 साल का जो उम्र हुआ है ना, तो वही हुआ था। तो और ये भी मनाना चाहिए, लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वीर कुंवर सिंह के जन्मदिन को भी लोग जाने और जन्मदिन भी मनाएं। इतने महान योद्धा होने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी कम लोग आए हैं, यहाँ के जिनके लिए लड़ाई लड़े, अपने देश के आज़ादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम योद्धा जो 1857 में लड़ाई लड़े और अंग्रेजों को 7 बार हरा दिए थे, लेकिन आज भी यहाँ के लोग, बिहार के लोग, इनके पास जो समय आता है इनका जन्म दिवस मनाने का, तो इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, सिर्फ आप ही लोग आए हैं, यहाँ पर कुछ 20-25 लोग आए हैं। ये दुर्भाग्य है, लोग नहीं जानते हैं, जानकारी की कमी है, इतिहास की नहीं जानते थे लोग कि आज जयंती है। संजोग से आज शाहबाद महोत्सव जो मंत्र है बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर, और उसी दिन आज 2 दिवसीय था, आज पूर्ण होने वाला है, आज उनका जयंती है, और जानकारी हो जाएगा तो जरूर आएंगे। जैसे यहाँ 23 अप्रैल को बहुत बड़ा भीड़भाड़ कार्यक्रम होता है, लेकिन जयंती के बारे में जानकारी नहीं था, तो जयंती है और मनाया जा रहा है। आगे से हमें उम्मीद है कि इस हम लोगों के आयोजन के माध्यम से लोग जानेंगे और उनका जयंती जरूर मनाएंगे। हम लोग भी जहां जो होगा सबको संदेश दिया जाएगा कि आप लोग भी 13 नवंबर को उनका जयंती मनाएं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आज वीर बाकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई, शुभकामना उनको नमन करते हुए, आज बहुत खुशी की बात है कि शायद मैं जगदीशपुर की धरती पर आज इस शाहबाद महोत्सव के माध्यम से पहली बार जन्मदिन मना रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला, और आज हमारे माध्यम से बहुत लोग जाने कि 13 नवंबर 1777 को इनका जन्मदिन हुआ था। जैसे कि पहले आपने पूछा अखिलेश भैया से कि आज बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्मदिन है और बहुत लोग नहीं आया है, नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि खेसारी और पवन सिंह के चक्कर में सारा दुनिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर लड़ रहा है, लेकिन बाबू कुंवर सिंह के लिए लड़ने किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो बलिदान देता है उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है, और जो लौंडा लौंडी का नाचना चाहता है उसके लिए सबके पास समय है। जय हिंद, जय भारत। वाह, क्या बात बोले हैं। देखिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है हमारे बिहार में। अगर ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो हमारे बिहार के लोगों की चेतना जाएगी और लोग जागरूक होंगे। ये महान योद्धा जिन्होंने 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे और अंग्रेजों को 7 बार हरा दिए थे, यही वो धरती है, यही वो किला है, यही पर बाबू वीर कुंवर सिंह जन्म लिए थे। और हाँ, क्या नाम हुआ आपका? बहुत बहुत धन्यवाद सीके टीवी इंडिया। आज बाबू वीर कुंवर सिंह का जयंती भी है और हम लोग शाहबाद महोत्सव में मगध के माटी औरंगाबाद से चलकर आए हुए हैं। क्या बात है। तो हम सभी देखिए साथी कलाकार हमारे साथ में हमारे अग्रज भाई राघवेंद्र सिंह जी और हमारे सिंटू बिहारी जी, भोजपुरी लोक गायक सुजीत पाल जी, और धनबाद के धरती से चलकर आए हुए राहुल जी जो बहुत अच्छे रैप गाते हैं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने एक गायकी के माध्यम से छोटा सा बाबू वीर कुंवर सिंह को समर्पित करना चाहूँगा कि बाबू वीर कुंवर मर्दाना और जिनकर लोहा मन ले जमाना, तो अपना हर रंग बिहार के माटी में देखवलन हो और अंग्रेजन के लल करलन हो ना, अपना हर रंग बिहार के माटी
मिट्टी में देखवलन हो, अंग्रेजन के लल करलन हो ना। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोजपुरी लोक गायक यार कुंदन सिंह आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, पुनः धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा सीके टीवी इंडिया को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती पर आप सबों ने इस न्यूज को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा गाए हैं आप। और बाबू वीर कुंवर सिंह के जो भी है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में बरकरार रहे और देश के हर वो आने वाला पीढ़ी जाने, इनकी बलिदान को जाने, इनकी योगदान को जाने कि कैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और लड़ते लड़ते 80 वर्ष के उम्र में भी उनका जब गोली लग गया था तो अपने हाथ काट करके गंगा जी में बलिदान कर दिया, गंगा माई को बलिदान दे दिए थे, ऐसे वीर पुरुष। अब एक महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर ये 80 वर्ष से कम उम्र के रहते, अगर 40 या 35 वर्ष के रहते तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत को छोड़कर जाना पड़ता, लेकिन ये 80 वर्ष के थे, सौभाग्य की बात यही है। लेकिन फिर भी 80 वर्ष के उम्र में भी इन्होंने ऐसा लड़ाई लड़ा कि पूरा दुनिया इनका चरण चूमता है। और यही वो किला है, इस किले पर अंग्रेजों की झंडा फहरता था, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजों के झंडा उतार कर अपनी झंडा यहाँ पर फहराए थे। ये वीर कुंवर सिंह की कहानी है। इनको मैं कितना ब्याह करूं, अगर मैं एक घंटा भी बोलना चालू करूं वो भी कम पड़ जाएगा, ऐसे ये महान योद्धा थे। और ये कहीं और के नहीं, ये हमारे मगध क्षेत्र के, ये हमारे बिहार के, ये हमारे सासार रोहतास के, ये हमारे आरा के, जो उस समय शाहबाद हुआ करता था, लेकिन 1972 ईस्वी में शाहबाद को विभक्त कर दिया गया दो भागों में। उसके बाद फिर 1991 में रोहतास और कैमूर को अलग कर दिया गया 1991 में। उसके बाद जो ये भोजपुर जिला था उसको 1992 ईस्वी में विभाजित कर दिया गया भोजपुर और बक्सर जिला में। अभी देखिए, ये अब बाबू वीर कुंवर सिंह का स्मृति संग्रहालय है। अभी हम संग्रहालय में भी आ जाते हैं, थोड़ा आइए भैया दिखाइए। ये देखिए संग्रहालय है, बाबू वीर कुंवर सिंह का बलिदान की यहाँ पर चित्र दिखलाया गया है। और संग्रहालय में भी बहुत सारे चीज़ें जो रखा हुआ है, इधर आइए, इधर दिखलाइए, बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाया गया है। थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि देखिए यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह का ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हाथ काट करके गंगा में डाल दिए थे वो देखिए। और बाकी इनका तोप भी है, पुराना तोप का एक नमूना यहाँ पर दिखाया गया है, जय भारत इस तरीके से चित्र दिखलाया गया है। तो ऐसे ऐसे योद्धा थे हमारे भारत के, बिहार के वीर कुंवर सिंह। ये देखिए जब ये एक कोई चित्र बनाए हैं, जब ये बाबू वीर कुंवर सिंह अपने हाथ को गंगा में अर्पित किए थे तब पूरा पानी जो है खून से लाल हो गया था। इस तरीके से चित्र बनाया गया है, बाबू वीर कुंवर सिंह के बलिदानी की यहाँ पर गाथा चित्र के माध्यम से दिखलाया गया है। आइए इधर भी कुछ कुछ दिखला देते हैं। देखिए तलवारें भी है, ये तलवार भी यहाँ पर रखा हुआ है, ये बाबू वीर कुंवर सिंह का तलवार जो अभिलिखित तलवार है उनका ये तलवार। और भी बहुत सारे चीजें हैं जो यहाँ मध्यकाल के लोहा का है, ये देखिए कटार है, अरे युद्ध के लिए औजार है, ये सब चीजें रखते थे वो लोग। और भी यहाँ पर तलवार है, ये देखिए आप, तो ये बाबू वीर कुंवर सिंह का यहाँ पर एक दिखलाया बनाया हुआ स्मारक, ये देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह का ये सब मूर्ति यहाँ पर इनका रखा हुआ है म्यूजियम में। और एक किला ही है, किला के ही अंदर इस तरीके का है। और ये सारे चीज़ें अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे। उम्मीद है कि आज बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती के अवसर पर जो मैं आपको ये वीडियो दिखला रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर भी 1777 लिखा हुआ है, इनके जयंती 1777 लिखा हुआ है, लेकिन पूरा डेट नहीं लिखा हुआ है। ये बनाया गया किसी चित्रकार ने इसको चित्रित किए हैं। और यहाँ पर भी देखिए आप भारत का इतिहास, तो ये है भारत के 1857 के क्रांति के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़, चित्रंजन कुशवाहा के साथ, बाबू वीर कुंवर सिंह के किला से। नमस्कार, जय हिंद।